बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 4 के सेक्टर ए में, और यहाँ पे मेरे पास एक कनाल का प्लाट अवेलेबल है जो कि सेक्टर ए स्ट्रीट 6 और प्लाट नंबर 24 है। ये नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लाट है, और इसको आपको मैं दिखाता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाट की एग्जैक्ट लोकेशन ये वाली है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये घर की जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, इसकी बैक साइड पे तकरीबन बनता है। DHA फेज़ 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जारी है, और रोड्स वगैरह भी बन चुके हैं, लाइटें वगैरह इंस्टॉल हो चुकी हैं, बाकी काम भी चल रहा है। इसके अलावा आपको अगर इसके एक्सेक्स बताता चलूँ तो 3 रस्ते यहाँ पर मतलब इसको प्रोवाइड किए जाएँगे। एक तो जो रास्ता जिस रस्ते से अभी हम लोग भी आए हैं, DHA फेज़ 1 से एंटर हों तो साथ ही फौजी फाउंडेशन जो मेडिकल स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ ही नीचे अंडर पास के थ्रू आप फेज़ 4 में एंटर हो सकते हैं। सेकेंड अस्करी 14 से रास्ता एक इसको कनेक्ट कर रहा है, जबकि थर्ड एक ब्रिज जो कि कुछ ही अरसे में कम्प्लीट हो जाएगा फेज़ 8 के साथ, जो कि इसको कनेक्ट करेगा इन फ्यूचर, वो कुछ ही मतलब टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी अगर प्लाट की बात की जाए तो इसमें जो भी आप में से कोई भाई अगर परचेज़ करता है तो इसमें एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको बेसमेंट भी बनानी पड़नी है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोकेशन वाइज इसको आपको बताता चलूँ, ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जाके इन फ्यूचर एक तो मस्जिद और कुछ कमर्शियल एरिया बनेगा, साथ में मस्जिद और के साथ ही पार्क और उसके साथ एक स्कूल भी। इस साइड पे अगर दिखाऊं तो ये सामने वाला रोड आप देख रहे हैं, और उसके वो सामने ही आपको जामा मस्जिद तामीर होती नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे आपको जो प्लाजा वगैरह नज़र आ रहे हैं वो बैरियर फेज़ 8 के, और फेज़ 7 और फेज़ 8 दोनों के मतलब प्लाजा वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई भाई इस प्लाट में इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर हम लोगों से रब्ता कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।